कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं जेडब्ल्यू 2023 में पूछा गया वेक्टर एलजेब्रा चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं वेक्टर एलजेब्रा में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेक्टर एलजेब्रा में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा, इफ वेक्टर ए हमको दिया गया है आई कैप प्लस टू जे कैप के कैप, यहाँ पे जे हमको नहीं दिया हुआ। वेक्टर बी हमको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर सी हमको दिया गया है 7i कैप -3j कैप +4k कैप। एंड आर क्रॉस बी एक रिलेशन इज इक्वल टू हमको दिया गया है बी क्रॉस सी। एंड दूसरा रिलेशन हमको दिया गया है आर डॉट ए इज इक्वल टू 0। देन हमको फाइंड आउट करना है कि आर डॉट सी क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर सी तो मौजूद है लेकिन वेक्टर आर हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों रिलेशन को यूज करके हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर आर क्या होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे ये रिलेशन हमको दिया गया है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो R क्रॉस B इज इक्वल टू हमको दिया गया है B क्रॉस C। चलिए ये साइड प्लस है, सामने की साइड ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो R क्रॉस B माइनस B क्रॉस C अब इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं ऐसा। चलिए दोनों में से B कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, R माइनस C क्रॉस B हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर इसको हमने सामने की साइड ले लिया तो स्केलर ऐड करना पड़ेगा। अगर सामने, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि R माइनस C इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लेमड़ा बी। लेकिन हमको तो क्या फाइंड आउट करना है, R। तो R को सब्जेक्ट बनाएंगे, देयर फॉर R इज इक्वल टू हो जाएगा लेमड़ा बी। ये साइड प्लस माइनस है, सामने की साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अब बारी आती है दूसरे रिलेशन की। दूसरा रिलेशन हमको दिया गया है R डॉट ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि R एंड A दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए R डॉट ए इज इक्वल टू दिया गया है 0। आर तो हमने फाइंड किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, सी प्लस लैम्डा बी इनटू ए इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो क्या हो जाएगा, सी डॉट ए प्लस लैम्डा बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आर डॉट सी। तो उसके लिए आर डॉट सी अगर आएगा, आर की जगह पे क्या है लेमड़ा, बी पता है सी पता है लेकिन क्या पता नहीं है हमको, लेमड़ा पता नहीं। तो इसमें से अगर हम लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाए तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं। चलो तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको भेज देते हैं सामने। तो लेमड़ा बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी डॉट ए, ये डिवीजन में चला जाएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू मिलेगा माइनस सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए। ये रिलेशन लैम्डा के लिए मिल गया। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आर डॉट सी। चलिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आर डॉट सी। चलिए आर की वैल्यू हमारे पास ये रही, सी प्लस लैम्डा बी, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। चले वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, सी वैसे का वैसा माइनस आ जाएगा, सी डॉट ए लैम्डा की वैल्यू अपॉन बी डॉट ए, ये पुट कर दी हमने लैम्डा की वैल्यू। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, बी के साथ है, और बाहर क्या है, सी। चलिए सी को अंदर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर।
यानी कि मोड सी लिख सकते हैं हम लोग। उसका स्क्वायर माइनस ये वैसे का वैसा सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए इंटू बी डॉट सी लिख सकते हैं। चलिए हमको पता है कि चलिए तीनों के वेक्टर हमको पता है। ए क्या है हमारे पास 1 0 एंड 2, जे नहीं है तो 0। बी क्या है हमारे पास 1 1 1, वैसे ही सी क्या है हमारे पास 7 -3 एंड 4। चलिए सबका डॉट प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले सी का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर है तो रूट निकल जाएगा, तो डायरेक्ट ही मोड़ आएगा, डायरेक्टली वैल्यू होगी। इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, +3 का स्क्वायर 9, +4 का स्क्वायर 16, माइनस सी डॉट ए इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, मतलब 7 × 1 7 0 है तो 0, +4 × 2 8 अपॉन बी डॉट ए इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 1 × 1 1 1 × 0 0 1 × 2 2। बी डॉट सी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7 × 1 7 3 -3 × 1 यानी कि -3 4 × 1 4 यानी कि +4। कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 74 माइनस ये हो जाएगा 15 / 3 एंड ये हो जाएगा 7 - 3 यानी कि 4 4 + 4 8, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल। यहाँ पे होगा 74 -8 × 5 40 यानी कि 74 - 40 यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 30। यानी कि R डॉट C हमको क्या मिला, 34, जो कि क्वेश्चन में हमको पूछा गया था।